नमस्कार, मैं दीपिका जादौन और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बदनावर धार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिला पंचायत द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 56 जोड़े परिणय सूत्र बंधन में बंधे। और इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के दत्ती गांव के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के बदनावर धार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिला पंचायत द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 56 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस कार्यक्रम के दौरान दत्ती गांव के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष आशा कुंवर डॉक्टर प्रहलाद सिंह सोलंकी ने की। इस दौरान जनपद सीईओ राजेंद्र सिंह परिहार ने अतिथियों के लिए स्वागत भाषण भी दिया। इस कार्यक्रम में 58 जोड़ों का पंजीकरण हुआ था, लेकिन उसमें से 56 जोड़े ही शामिल हुए। इस कार्यक्रम में दत्ती गांव के उद्योग मंत्री सहित अतिथियों ने 50,000 रुपए की धनराशि का चेक वर और वधु को प्रदान किया और इसके पश्चात वर और वधु को विदाई भी दी गई। इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की यह योजना एक वरदान साबित हो रही है और मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बेटियों के हाथ पीले करने के लिए जो सौगातें दी हैं वह सराहनीय है। इसके साथ ही माता पिता को बेटियों के हाथ पीले करने के लिए कर्ज लेना ना पड़े, इसके लिए भी इस योजना में प्रत्येक बेटी के विवाह के लिए 50,000 रुपए का प्रावधान भी दिया गया है और दहेज में घरेलू सामान भी दिया गया है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान SDM मेघा पवार, CMO मनोज कुमार मौर्य, नायब तहसीलदार सोनिका सिंह के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। आज रजिस्ट्रेशन हुआ था 58 जोड़ों का, दो जोड़े किसी कारण से विलंब से नहीं पहुंच पाए। 56 जोड़ों का पाणी ग्रहण संस्कार यहाँ सम्पन्न किया गया विधि विधान से। समस्त हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ मौजूद रहे, शहर के गणमान्य जन यहाँ उपस्थित रहे। आचार्यों ने पूरी व्यवस्थित तरीके से विवाह सम्पन्न कराया, सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे। 50,000 के चेक हम लोगों ने सभी वधुओं को दिए, 10,000 और हमारी तरफ से हम लोगों को दे रहे हैं, 5,000 मेरी तरफ से मैं दे रहा हूँ, 5,000 और दे रहे हैं, तो 60,000 की राशि जोड़ों को मिली है। हमारे पर्यावरण प्रेमी अमृतलाल जी पाटीदार की ओर से सबको वृक्षारोपण के लिए पौधे दिए, नगर परिषद ने उनको घड़ियाँ दी। इस प्रकार से बड़े हर्षोल्लास से हमने ये सम्मान किया और सब लोगों से मैंने आग्रह निवेदन किया है कि भोजन भी सब साथ ही हम लोग करेंगे। आने वाले भविष्य की सभी को मंगल कामनाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की ओर से और बहुत अच्छी तरीके से आज सम्मान। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बदनावर से अनूप जायसवाल की रिपोर्ट।